सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने गौतम नवलखा के जमानत के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में जारी एक प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया है। इस मामले में गौतम नवलखा की जमानत की अर्जी दायर की गई थी और सिंगल जज की बेंच ने एनआईए कोर्ट के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग हुई है गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए, वो सब प्रोसीडिंग्स की डिटेल और रिकॉर्ड्स अपने सामने मंगवाया था। इसके अलावा तिहाड़ जेल से भी जो एप्लीकेशन वहाँ पे दी गई थी वो सब डिटेल भी सिंगल जज की बेंच ने अपने सामने अगली सुनवाई पर रखने के लिए कहा था। इसके खिलाफ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट आ गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया है अगली सुनवाई तक। इस मामले में गौतम नवलखा जो है भीमा कोरेगांव हिंसा जो हुई थी उसमें और उनके माओवादियों के साथ संबंध होने के चलते के आरोप के चलते जेल में है और पिछले दिनों उन्होंने आत्मसमर्पण किया था जब कोरोना चल रहा था और उस समय फिर उनको दिल्ली से मुंबई ले जाया गया। इस मामले में एनआईए का मेन कंटेंशन यही था कि जो दिल्ली हाईकोर्ट के जो सिंगल जज है उनका टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन इस मामले में नहीं है क्योंकि ये मामला मुंबई का है, और दूसरा इस मामले में जो एनआईए स्पेशल कोर्ट की अपील जो होती है वो डिवीज़न बेंच के द्वारा हाई कोर्ट में सुनी जाती है। ये दो उनके मेन कंटेंशन थे। अब ये मामला अगली सुनवाई तक जो कि सुप्रीम कोर्ट में होगी तब तक जो जमानत की उनकी प्रोसीडिंग दिल्ली हाई कोर्ट में थी वो स्टे कर दी गई है।